जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, बीपीएससी के द्वारा लगातार तीन ऑफिशियल नोटिस दिया गया है। तीनों ऑफिशियल नोटिस में देख लें किसके लिए व किस नोटिस में आपके लिए क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला नोटिस है बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ वेली रोड पटना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में रसायन विषय के सहायक प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 54/2020 के अंतर्गत सहायक रसायन प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है। यानी कि ये अंतिम परीक्षा फल है, प्रकाशित कर दिया गया है। सभी सफल अभ्यर्थी को एग्जाम टूर की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपका देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर, सीरियल वाइज रोल नंबर और ये सब कुछ दिया गया है। आप यहाँ पर देख लें, सबका दे दिया गया है। इसमें कुल अभ्यर्थी की बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा लिपिकीय टंकीय भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। लिखित परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार 02 लिखित परीक्षा रद्द एवं 2 उम्मीदवारों को छोड़कर के अंक प्रमाण आरक्षण कोटिवार दिया गया है। वेबसाइट के मार्कशीट देख सकते हैं, कॉलम में उन्होंने अनुक्रमांक एवं तिथि निलंबन संख्या जन्मतिथि डालकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बात करेंगे कट ऑफ की, तो थोड़ा पे यहाँ देखिएगा रिटर्न एग्जाम और फाइनल कट ऑफ, यानी अनरिजर्व की बात करेंगे तो रिटर्न 22.50 और फाइनल 46.838। यहाँ अनरिजर्व फीमेल की बात करेंगे तो 20 आया है, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ। फिर यह EWS का 15.50 और फाइनल 42 गया है। फिर EW महिला नहीं है। SC की बात करेंगे तो 12 और 32 गया है। SC की बात करेंगे तो कोई, ST की बात करेंगे तो कोई नहीं। EBC की बात करेंगे तो 12.50 और 36.38। यहाँ ST कैटेगरी देख सकते हैं 36 गया है। EBC फीमेल का 34 गया है। BC का 16 और 40 गया है। BC फीमेल का 16 गया है। BCL जो केवल महिलाओं के लिए होता है वह 35 गया है। फाइनल कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक्स यानी कि फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे तो उनका 13.5 गया है, 50 गया। परीक्षा नियंत्रण बिहार लोक सेवा आयोग, ये अंतिम रूप से परिणाम घोषित किया गया है। सभी सफल उम्मीदवार को एग्जाम टूर की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अभी 2 और नोटिस है, देखिए उसमें क्या है, संपूर्ण जानकारी। चलिए दूसरा नोटिस क्या है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ वेली रोड पटना, आवश्यक सूचना है, दिनांक 28/4/2023 को आयोजित हुआ था सहायक बिहार लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक एग्जाम। विज्ञापन संख्या 06/2022 के सामान्य ज्ञान विषय का औपबंधिक उत्तर दिनांक 12/5/2023 एवं द्वितीय औपबंधिक उत्तर 25/5/2023 को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए उम्मीदवारों से आपत्ति मांगी गई थी। दिनांक 25/5/2023 को प्रदर्शित द्वितीय औपबंधिक उत्तर के विरोध उम्मीदवारों से मात्र 1 प्रश्न संख्या 32 पर आपत्ति हुई। आपत्ति आवेदनों की समीक्षा के बाद विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सामान्य विषय के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ABCD के दिनांक 25/5/2023 को प्रदर्शित द्वितीय औपबंधिक उत्तर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तदनुसार प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ABCMD के सभी प्रश्नों के अंतिम उत्तर आदर्श प्रश्न संख्या 32 के उत्तर की व्याख्या सहित आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप यदि 32 नंबर प्रश्न पर आप आपत्ति किए तो उसकी व्याख्या सहित वहाँ पे उपलब्ध है, आप उसको देख लें और अपनी संतुष्ट आप जरूर हो जाए। इसी प्रकार से यदि BSSC कर देता, यानी कि BSSC CGL के द्वारा कर दिया जाता तो कितना अच्छा रहता। यहाँ पर देख लेंगे, बिहार लोक सेवा आयोग सहायक निर्देशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लिखित प्रतियोगी परीक्षा विज्ञापन संख्या 02/2021 का परीक्षा फल, यानी कि आज के दिन में 2 परीक्षा फल घोषित किया गया है। विज्ञापन संख्या 02/2021 के अंतर्गत सहायक निर्देशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लिखित प्रतियोगी परीक्षा विज्ञापन संख्या 02/2021 के 16/11/2022 से 28/11/2022 तक पटना अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आयोग उक्त परीक्षा में कुल सफल 83 उम्मीदवारों की परीक्षा फल अनुक्रमांक क्रमवार नीचे बाएं से दाएं प्रदर्शित करता है, जिन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है। देखिए 83 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में आपको घोषित किया जाता है सफल, और इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, किसी भी प्रकार का यदि कोई त्रुटि होगा तो वह टाइपिंग मिस्टेक को सुधारा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं सभी, ये आज ही के डेट में यानी 3/6/2023 के डेट में दो दोनों तीन तीन नोटिस दिया गया था। तो आप देख लें, जय हिंद, जय भारत, जय युवा।